टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का अभियान जोर शोर से जारी है, लेकिन अब वैक्सीनेशन के मामले में भारत एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर रहा है। इसके लिए सरकार की भी तैयारी खास है। जैसे ही भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार करता है, वैसे ही भारत सरकार इस खास मौके पर बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से ऐलान भी किया जा चुका है। बता दें कि देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा कुछ दिनों में 100 करोड़ को पार करने जा रहा है। कोविन ऐप पर 100 करोड़ डोज पूरा होने को लेकर उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। 100 करोड़ आंकड़े को पार करने की खुशी और वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देने के लिए सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने वैक्सीन पर गाना भी गाया है। गाने का बोल है, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, जिसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शेयर भी किया है। विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में 100 करोड़ टीकाकरण पूरे होने पर बंदरगाहों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा भी की जाएगी। इतना ही नहीं, इस अवसर पर स्पाइस जेट के विमानों पर हेल्थ वर्कर की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए जाएंगे। देश के समुद्र तट पर शिप की होटिंग होगी। वहीं इस अवसर के लिए खादी ने सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज तैयार किया है। इसे 100 करोड़ खुराक वाले दिन लाल किले नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर फहराने की योजना है। भारत में अभी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। इनकी जनसंख्या करीब 94 लाख है। इस तरह अभी तक करीब 70% लोगों को पहली और लगभग 30% लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। हालांकि टीके लगवा चुके आबादी के प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित 30 में से 17 देशों में शुरुआती 8 महीनों में भारत ने ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन किया है। भारत चीन के 79 लाख डोज प्रतिदिन के बाद दुनिया के सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला दूसरा देश है। भारत में रोज 71 लाख डोज की रफ्तार अच्छी है, लेकिन भारत की 94 करोड़ आबादी को 31 दिसंबर तक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए 100 की स्पीड से दौड़ना होगा। 100 की स्पीड यानी 1 करोड़ से ज्यादा डोज रोजाना की रफ्तार। अब आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन के फायदे क्या हैं। कई एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक डॉक्टर भरमर मुखर्जी के अनुसार भारत वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम कर रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद अस्पतालों में भर्ती होने के मामले को भी दिखाना चाहिए। लोगों को ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन से अस्पताल में जाने की नौबत नहीं आती। बता दें कि देश भर में वैक्सीनेशन का काम जारी है और जल्द ही भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ नया रिकॉर्ड कायम करता दिख रहा है। विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।